नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ चार मेहमान हैं, मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक से, और साथ ही हमारे साथ दो और मेहमान हैं, उदय शिंदे हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉल मार्किंग सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, साधी योगेश सिंगल हैं चेयरमैन है बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात आज एक अहम खबर की कर लेते हैं, वो है गोल्ड हॉल मार्किंग को लेकर। गोल्ड हॉल मार्किंग नियम में अब बदलाव की तैयारी है। पुरानी ज्वेलरी में जो भी हॉलमार्क किए जाते थे उस पे जो लोगो रहते थे BIS का मार्क, कैरेट हॉल मार्किंग सेंटर और ज्वेलर्स की जो पहचान और ईयर लिखी रहती थी मार्क लगाकर, उस चार लोगों को हटाकर सिर्फ अब 6 डिजिट का HUID कोड ही रखने की तैयारी है। इस खबर पर बात करते हैं, उदय शिंदे साहब हमारे साथ हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉल मार्किंग सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। उदय जी, क्या नियम है, क्या सरकार की तैयारी चल रही है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? नमस्कार सर। सर, पिछले साल मतलब जून 2021 से जब से HOD लागू हुआ, तो उस समय बाजार में काफी सारी पुरानी पहले जो हॉलमार्क की हुई लीगल ज्वेलरी जो थी उसपे चार लोगों लगते थे। अब HOD लागू होने के बाद HOD अभी 6 डिजिट का कोड आ रहा है और धीरे धीरे मार्केट में अभी काफी कुछ HOD की ज्वेलरी है, लेकिन पुरानी ज्वेलरी रहने के कारण ग्राहकों के बीच थोड़ा सा भ्रम का वातावरण तय हो जाता है कि भाई सही कौन सा ये पुराना 4 है या नया वाला HOD का 6 है, जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों भी सही है। लेकिन ग्राहकों के बीच के इस भ्रम की स्थिति को हटाने के लिए सरकार चाह रही है कि ये चार लोगों की पुरानी जो ज्वेलरी है उसकी बिक्री अब बंद की जाए। कुछ जो ज्वेलरी अभी बच गई है हमारे सरावा भाइयों के पास, उसका रूपांतरण HOD में, ये मतलब 6 डिजिट के कोड में करवा लिया जाए। इसमें इसके एक्सपेंसेस कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ज्वेलर्स की, अगर ज्वेलर उसे रिमूव करवाएंगे उसका भी तो एक कॉस्ट होगा उनके लिए। इसके बारे में हमारी कल के मीटिंग में चर्चा हुई सरकार के साथ, हमारे ज्वेलर साथियों के साथ, और इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे एसोसिएशन ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे एसोसिएशन के साथियों ने ज्वेलरी हॉलमार्क की थी पुरानी, यदि वह फिर से हमारे पास HOD करने के लिए आती है तो उसमें हम शुल्क में राहत देने के लिए हमारे तरफ से आश्वासन दिया है हम लोगों ने, और सरकार से भी निवेदन किया है कि इसको किस तरीके से वर्कआउट करना है, तो सरकार ने कहा है कि वो इसके ऊपर जल्दी विचार करके निर्णय देगी। जी, अब अगला सवाल मेरा होगा, ज्वेलर जो पुराने ज्वेलरी जिनकी हॉल मार्किंग हो चुकी है, इन पे सारे लोग हैं जो कस्टमर्स के पास है, क्या उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं होगी अगर वो बेचने जाएंगे तो? क्या ये नियम आने के बाद क्या इसमें कुछ तकलीफ हो सकती है क्या उनको? जी नहीं, बिल्कुल कोई इसमें कोई भी तकलीफ आने की बात नहीं है। जो पुरानी ज्वेलरी ग्राहकों के पास है वो लीगल है और लीगल ही रहे। ओके सर, ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है फाइनली सरकार की तरफ से, आधिकारिक ऐलान कब से, क्या अगले हफ्ते उम्मीद करें इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा नए नियम का? तारीख का ऐलान हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सप्ताह के अंत तक आ जाना चाहिए। ओके सर, अब हॉल मार्किंग बहुत सारे शहरों में अभी भी लागू नहीं किया गया है, उसको लेकर क्या कब कितना काम हुआ है और कितने हॉल मार्किंग सेंटर अभी तक तैयार है? क्योंकि छोटे शहरों में सबसे बड़ी दिक्कत जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर हॉल मार्किंग सेंटर की है, अब वो मेट्रो जो बड़े शहरों तक तो आएंगे नहीं हॉल मार्किंग करवाने वहां के ज्वेलर, तो वहां तक क्या अपडेट है, कब तक पूरे देश भर में हॉल मार्किंग लागू हो जाएगा सर? श्रीमान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले फेज में जैसे 256 जिलों में लागू किया गया था, उस समय हमारे 950 सेंटर थे जिनकी संख्या बढ़कर लगभग 1350 के आसपास हो गई है। 256 के बाद फिर उसको बढ़ा के 288 जिले किए गए, अभी और उसमें नए जिलों का एडिशन करके और नए 40 से 45 जिले इस मैंडेटरी हॉलमार्किंग में आ रहे हैं, और साथ ही बाकी सारे जिलों में धीरे धीरे नए सेंटर आ रहे हैं, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले साल एक डेढ़ साल के अंदर पूरे देश में हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो जाना चाहिए। उदय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, योगेश सिंगल साहब भी हैं, चेयरमैन हैं द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से, दिल्ली के जाने माने ज्वेलर हैं। सर स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पे। योगेश जी, सर हॉल मार्किंग नियमों में बदलाव हो रहा है, उदय जी हमारे साथ हैं जो हॉल मार्किंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, इनका कहना है कि सर जो पहले से जो 4-5 लोगों रहते थे जो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पे, उसे हटाकर अब सिर्फ 6 डिजिट का कोड ही रखा जाएगा, इससे क्या अगर इसमें जो पुरानी ज्वेलरी जिसमें ऑलरेडी मार्क लगे हुए हैं, क्या इससे आप लोगों की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्या? नमस्कार कृष्ण मोहन जी। नमस्कार सर।
सरकार का उद्देश्य है फर्जी हॉलमार्किंग को रोकना और ग्राहक को सही शुद्धता की ज्वेलरी दिलवाना। अब समस्या ये है कि सरकार चाहती है कि जो चार और पांच मोहर की पहले एचयूआईडी से पहले की हॉलमार्किंग है उसको निरस्त करके नहीं लगाए। तो इसमें मेरा प्रपोजल यही है कि मार्च 24 तक का टाइम दे दे सरकार, इसमें गैस 2024 तक का मार्च तक का समय दे दे, और उसके बाद भी अगर किसी की ज्वेलरी रहती है नहीं बिकती है तो वो एचयूआईडी नए सिरे से करा ले और उसको सरकार जो है जीएसटी और रॉयल्टी खत्म कर दे ताकि उसको एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। तो इससे समस्या का समाधान भी हो जाएगा और एचयूआईडी में कन्वर्ट भी हो जाएगा। मार्च 2024 तक बोल दे भाई आप लोग या तो बेच लो और या फिर इसको एचयूआईडी करा लो, तो ये सिस्टम ठीक रहेगा। बहुत जल्दी में हड़बड़ी में मार्च 2023 तक ही अगर लागू करेंगे तो काफी नुकसान हो सकता है जल्द। मतलब एक टाइमलाइन एक चरणबद्ध तरीके से हो तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं होगा। सर आप लोगों की कॉस्टिंग, ये मार्क हटाने के लिए कॉस्ट कितनी होगी? जो पुराने स्टॉक्स आपके पास होंगे जिस पे मार्क दिया हुआ होगा हॉल मार्क का, उस मार्क को हटाने के लिए आप लोगों की कितनी कॉस्ट जाएगी? देखिए एक पीस पे 53.20 रुपए विद रॉयल्टी और जीएसटी समेत 53.20 रुपए तकरीबन खर्च होता है। उसके अलावा ज्वेलरी को नुकसान भी पहुंचता है, खराब भी होती है, उस पे हाथ भी लगते हैं बार बार हॉल मार्क कराने से, तो उसकी सुंदरता भी खत्म होती है, गलाने के चांस बढ़ जाते हैं उसके। एक बार में ही एचयूआईडी कराते हैं तो भी उसमें हाथ लगते हैं, गंदी हो जाती है, उसको साफ कराना पड़ता है, टूट भी जाती है। तो अभी अगर दोबारा से उसी को छेड़छाड़ करेंगे तो उसमें कई तरह की नुकसान होने की संभावना रहती है, यानी नुकसान की संभावना ज्यादा है। सर अब सवाल है ग्राहकों को लेकर, जिन ग्राहकों के पास वो लोगो वाले ज्वेलरी हॉलमार्क ज्वेलरी है उन पर क्या असर होगा? क्या वो आएंगे तो उन पे कोई बदलाव नहीं होगा? क्या वही भाव मिलेंगे जिस कैरेट पे वो खरीद कर गए हैं आपके पास से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज्वेलर की तो अगर हॉलमार्क है तो, और जो जिनको जो है हॉलमार्क पहले मैंडेटरी नहीं था उनको ज्वेलरी बेची गई है 22 कैरेट की, तो उनको 22 कैरेट का ही दाम का भुगतान होगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम में बदलाव है, न कि प्योरिटी में कोई छेड़छाड़ हो रही है या कोई प्योरिटी में कोई कम ज्यादा हो रहा है, ये सिर्फ नियमों में बदलाव है। सरकार चाहती है कि भी अब 1.5 साल हो चुका है तो एचयूआईडी का ही एक ही तरह का मार्क चले, जैसे पीछे भी कई जगह ऐसा देखा गया है कि चार मार्क की हॉलमार्क ज्वेलरी मिली और उसके साथ में उसका हॉलमार्क का बिल नहीं मिला, तो वो ज्वेलरी सीज भी हुई थी और तरह तरह की खामियां मतलब जूनरों की तरफ से भी वो देखी गई है। तो सरकार ये नियम में बदलाव इसलिए करना चाह रही है। एचयूआईडी से तो पूरी डिटेल्स आ ही जाती है, जो काम लोगो आइडेंटिफाई करके देता है वो काम पूरा एचयूआईडी करके देगा ही, तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा लोगो और फिर एचयूआईडी नंबर सब सिमिलर फिर कॉपी करना, उसी को कॉपी करके रखना ये सही नहीं है, इसलिए सरकार चाहती है कि सिर्फ एचयूआईडी ही ज्वेलरी पर रहे। सर अब आखिरी सवाल आपसे होगा बजट को लेकर, बजट में सिर्फ 12-13 दिन बचे हुए, 13वें दिन बजट है आज के 1 फरवरी को, आप ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से इस बार आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है इस बार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की संभावना बन रही है और आप लोगों ने क्या प्रस्ताव भेजा है? बिल्कुल, हमने जो 5% कस्टम ड्यूटी अभी सरकार ने आनंद फानंद में बढ़ाई थी, हमने कहा है इसको तो कम कर ही दें और आगे भी 4% तक इसको नीचे ले आए, स्मगलिंग ना हो देश में और जो भी सोना है वो वैध तरीके से दे, 4% कस्टम ड्यूटी की और इनकम टैक्स के भी स्लैब रेटों में हमने बदलाव की मांग की है ताकि ज्यादा से ज्यादा असेसी इसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें, तो जितना टैक्स कम होगा उतना ही रिवेन्यू बढ़ेगा और लोग ज्यादा टैक्स देंगे। तो इस तरह की हमने सरकार को वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिख के भेजी है एसोसिएशन की तरफ से। गोल्ड पर आपको बता दें कि अभी फिलहाल 15% सरचार्ज के साथ 15% इफेक्टिव ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पर है, तो ज्वेलर्स को लग रहा है कि स्मगलिंग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब फिजिकल बाई आप करने जाते हैं तो आपको ये कस्टम ड्यूटी के बोझ के अलावा आपके पास जब GST भी 3% का है तो गोल्ड खरीदना काफ़ी महंगा इस वजह से हो जाता है, और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महंगे ड्यूटी इंडिया में ही चार्ज किए जाते हैं। शुक्रिया सिंघल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वायदा बाजार की ओर लौटते हैं और हमारे साथ कुणाल जी और मनोज जी बने हुए हैं। कुणाल जी, क्या हो रहा है गोल्ड में? कल 56,550 वापस से रिकॉर्ड के बेहद करीब जाकर लौटा है, आज बहुत सुस्ती दिख रही है, एक रेंज का ही कारोबार कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है, कब इस रेंज से निकलेगा? अगर किसी को रेंज में ट्रेड करना है तो किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए आज? जी शॉर्ट टर्म में गोल्ड ने ऑलरेडी मेरे हिसाब से इंटरनेशनली $1930 और इंडिया में कल का जो हाई था वो नीचे, वहाँ से गोल्ड प्राइसेस बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, एक करेक्शन का माहौल लग रहा है गोल्ड में।
क्योंकि डॉलर इंडेक्स हमें यहाँ से थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। सो 56,400 के आसपास गोल्ड में आप बिकवाली कर सकते हैं। 56,550 का स्टॉप लॉस रखिए, 56,200 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। आपका व्यू गोल्ड पर क्या है मनोज जी? नमस्कार ऋषमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे ऊपरी लेवल सस्टेन नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही दायरे का कारोबार है और अभी जब तक $1,900 यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड है, अभी शॉर्ट साइड जाना प्रेफर नहीं करूंगा। अगर थोड़ा डिप्स मिलता है 56,100 के आसपास तो बाय कर सकते हैं 55,900 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य ऊपर में 56,440 का रख सकते हैं। एक बेहद दायरे का कारोबार है, $1,900 के नीचे अगर गोल्ड फिसलता है तो फिर यहाँ पे दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं चांदी की। कल 936 रुपये गिरकर चांदी बंद हुई थी और आज देखिए आज भी 325 रुपये फिलहाल नीचे है, 67,900 67,900 रुपये के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है। कुणाल जी, क्या करना चाहिए इन स्तरों पे? कितनी गिरावट के बाद चांदी खरीदे या अब खरीद ले? 68,200 के आसपास सिल्वर बेचना चाहिए। अभी फिलहाल सिल्वर भी 70,300 इंडिया में $25 कॉमेक्स पे थोड़े ऐसा लग नहीं रहा है, नीचे में एक बार आपको 67,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। सो उछाले पे बेच के काम करना अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी अभी, और मुझे लग रहा है कि एक बिकवाली का ट्रेड इसमें लेना चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 68,550 का। 68,550 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और बेचकर ही जाना है, 67,000 तक भी नीचे की तरफ चांदी आ सकती है। मनोज जी, आपको भी लग रहा है कि चांदी में गिरावट अभी और बाकी है? सिल्वर में बिल्कुल मैं भी कुणाल से सहमत हूँ। कल जो यूएस के जो रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स के नंबर्स आए थे वो काफी निराशाजनक थे, और उसके बाद हमने ओवरऑल बेस मेटल पैक में जो एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी और चांदी में भी गिरावट रही, तो यहाँ पे 67,200 तक के जो स्तर है वो चांदी में देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान लेवल से भी लगभग 600-700 रुपए तक की गिरावट और यहाँ देखने को मिल सकती है, तो अभी यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेना हो तो ऊपर में थोड़ा अगर 68,100 के आसपास आवे तो वहाँ बिकवाली कर सकते हैं 67,200 तक के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में भी अब कल से गिरावट दिखनी शुरू हो गई। WTI क्रूड लगातार 9 दिनों की तेजी के बाद यहाँ पर नरमी लौटी है। अब ब्रेंट क्रूड का भाव $84 के नीचे है, $78 तक WTI क्रूड आ चुका है, 1.5% तक की गिरावट फिलहाल दिख रही है इंटरनेशनल मार्केट में, और MCX क्रूड में तो 2% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। कुणाल जी, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में, और ऑप्शन में अगर कोई कॉल है तो वो भी बता दीजिए। जी, कच्चे तेल में कल जो हिसाब से हमने ट्रेंड देखा है, एक चीज़ बहुत ही कंफर्म है, $82-$83 के ऊपर ऑयल जा नहीं पा रहा है, और एक बाजू पे चाइना ओपन अप ट्रेड की जो जो उसकी वजह से जो हम बाइंग देख रहे हैं वो मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से क्रूड में बिकवाली आने वाली है। ऊपर के लेवल का वेट कीजिए और सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं आप। मेरी राय में अच्छे लेवल रहेंगे बिकवाली के लिए क्रूड में 6,400 के आसपास आप बेचिए, 6,450 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऑन द डाउन साइड 6,310 का टारगेट रखिए। आपका व्यू कच्चे तेल पर मनोज जी? बिल्कुल, अगर थोड़ा अपसाइड मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं। कल भी जो यूएस एपीआई की रिपोर्ट आई थी तो वहाँ यूएस में लगातार दूसरे सप्ताह जो है इन्वेंट्री बिल्ड बड़े रूप में देखने को मिल रहा है। विंटर स्टॉर्म के चलते यूएस में कंजम्पशन यहाँ पे जो है कम होते हुए नजर आए हैं और इन्वेंट्री लेवल लगातार वहाँ बढ़ रहे हैं, और साथ में हम यूएस के जो नंबर्स इकोनॉमिक डेटा उनकी बात करें तो वो भी यहाँ पे कमजोरी दिखा रहे हैं, तो कहीं भी 6,450 के आसपास के स्तर मिले तो बिकवाली करें 6,300 तक के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस ऊपर में 6,520 का लगा कर चले। मनोज जी, नेचुरल गैस में क्या हो रहा है? 19 महीने के निचले स्तर पे आ चुका है। MCX पे देखिए फरवरी का वायदा 266 रुपए पे आज है, हालांकि आज हल्की तेजी जरूर दिख रही है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड काफी कमजोर दिख रहा है। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में मनोज जी? अभी भी स्ट्रक्चर यहाँ पे चार्ट पे काफी खराब है, हालांकि काफी गिरावट देखी तो ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन ये कमोडिटी से दूर ही रहना चाहिए, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। टेक्निकली अगर बात करें तो 288 के महत्वपूर्ण सपोर्ट थे वो भी ये कमोडिटी ने तोड़े हैं, तो अभी भी यहाँ पे आउटलुक जो है वो नेगेटिव ही है, लेकिन एक बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, बेहतर होगा ये कमोडिटी से दूर रहें। ओके, आप क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस पे कुणाल जी? हेलो, नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से मौजूदा स्तर से थोड़ा बाइंग कर सकते हैं जी। 68 का स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड टारगेट इसमें रखिए आप 278-279 का। ओके, 270 मतलब एक छोटे से टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस जो बताया गया है उसका ध्यान रखिएगा,
क्योंकि वोलेटाइल काउंटर है और ट्रेंड अभी भी कमजोरी है। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। मनोज जी, बेस मेटल्स में क्या कुछ पसंद आज आ रहा है? आज सारे ही बेस मेटल्स में दबाव दिख रहा है। यूएस रिसेशन को लेकर यहाँ पर चिंता फिर से बढ़ी है और उसका दबाव है। कॉपर देखिए 770 के नीचे आ गया है, जिंक में भी हल्की गिरावट दिख रही है, लेड एल्यूमिनियम सब कमजोर है। क्या सलाह है बेस मेटल्स में आज मनोज जी? बेस मेटल्स में हमने एक अच्छी रैली देखी थी और यहाँ पे कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। लेकिन लेड एक बहुत ही दायरे में ट्रेड कर रही है कमोडिटी और जो दायरा है वो 187 से 192 का है और अभी ये अपने लोअर सपोर्ट लेवल के आसपास जो आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ 188 के इस तरह का लेड में मिले तो M6 जनवरी वायदा में बाय कर सकते हैं 186.50 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 191 तक का रख सकते हैं। ओके, चलिए अब कुणाल जी से समझ लेते। कुणाल जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या टॉपिक होगी आज के लिए? 772 के आसपास कॉपर शॉर्ट कर सकते हैं, 776 का स्टॉप लॉस रखिए, 765 और 763 का टारगेट की रख सकते हैं। ओके, यानी कॉपर शॉर्ट की सलाह कुणाल जी की तरफ से। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते। ग्वार सीड और ग्वार गम कल तेजी दिख रही थी, 14,000 के ऊपर ग्वार गम का वायदा था, ग्वार सीड 6,400 के ऊपर था, लेकिन आज दोनों में ही आधे से पौना परसेंट की गिरावट दिख रही है। मनोज जी, ग्वार सीड और ग्वार गम क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? बिल्कुल दायरे का ट्रेड है यहाँ पे। हम अगर ग्वार सीड की बात करें तो 6,300 से 6,450 का दायरा बना हुआ है, तो अगर यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आए 6,300 तो फिर वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 6,240 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6,420 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। ग्वार गम में भी एक सीमित दायरे में ट्रेड देखने को मिल रहा है और रेंज यहाँ पे 13,600 से 14,100 का है, तो 13,700 के आसपास अगर ग्वार गम फेब्रुवरी वायदा मिलता है तो बाय कर सकते हैं 13,600 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के, लक्ष्य ऊपर में 14,000 तक के रख सकते हैं। ओके, अब मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में आज एक रेंज में कारोबार हो, लेकिन जीरे पर दबाव दिख रहा है। क्या लग रहा है जीरे में अब यहाँ से? और बाकी कोरिएंडर और टर्मरिक, धनिया और हल्दी, इन दोनों पर भी अपनी राय दीजिए मनोज जी। जीरे में एक अच्छी तेजी के बाद अब यहाँ पे हल्की प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल रही है, तो अभी हमारा मानना है कि अब यहाँ पे नए क्रॉप्स के अराइवल भी रहेंगे तो थोड़ी जो मुनाफा वसूली वो बढ़ सकती है। एक बार 34,000-34,200 तक के स्तर तक के लिए यहाँ जीरा मार्च जो है वो दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोरिएंडर और टर्मरिक में लोअर लेवल्स पर अब थोड़ी जो है बाइंग देखने को मिल रही है। धनिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8,000 के जो स्तर है वो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ने होल्ड किए थे, तो यहाँ अगर 8,150-8,200 के दायरे में भाव मिलते हैं तो वो बाइंग के लिहाज से अच्छे स्तर होंगे। 8,500 ऊपर में लक्ष्य लगा के चल सकते हैं। वहीं अगर टर्मरिक वायदा की बात करें तो यहाँ भी लोअर लेवल्स पर सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें 8,100 के स्तर पर बाय कर सकते हैं 7,980 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य 8,300 का रखें। कॉटन केक 0.5% कमजोर है, 2900 के आसपास आ गया है। अच्छी तेजी हाल के दिनों में दिखी थी लेकिन अब धीरे धीरे नरमी दिख रही है। फरवरी का वायदा 2,900 के आसपास है कॉटन केक का। मनोज जी, क्या सलाह है कॉटन केक में? कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ पे 2,955 के ऊपर वायदा जो है वो सस्टेन नहीं हुआ था और मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अगर 2,920-30 के स्तर मिले तो बिकवाली कर सकते हैं 2,955 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 2,880 तक के लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, चलिए करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। कल के सत्र में शानदार रिकवरी दिखी थी, 81.24 रुपये तक आया था। आज हल्की कमजोरी दिख रही है डॉलर के मुकाबले, 81.32 रुपये पे रुपया डॉलर के मुकाबले ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी, क्या लग रहा है करेंसी मार्केट में क्या करना चाहिए यूएसडी आईएनआर में? 81.30 के आसपास बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, 81.45-50 आपको देखने मिल सकता है एक दो दिन में, 81.20 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। ओके, मनोज जी आपका व्यू करेंसी मार्केट पर? बिल्कुल, यहाँ पे 81.10 जो है वो स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है यूएसडी आईएनआर जो जनवरी का फ्यूचर है, तो अगर 81.20-30 के रेंज में मिले तो 81.10 के नीचे के एसएल से यहाँ बाय कर सकते हैं। ऊपर में 81.55-81.60 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। चलिए वक्त हो गया है ब्रेक लेने का। शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम कमोडिटीज पे अपनी राय रखी।